हिंदी के लिए सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपना जो अध्याय चल रहा था 11वां, सुमित्रा नंदन पंत, उसकी दूसरी कविता धरती कितना देती है। ये कविता इनके कविता काव्य संग्रह ग्राम्य से ली गई है। आ धरती कितना देती है, मैंने छुटपन में छुपकर पेशे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंजर मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहां मिटे, कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाढ़ जोता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, अब मैं अबूझ था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था और तृष्णा को सिंचा। तो ये क्या कह रहा है कि आ धरती कितना देती, यानी ये धरती कितना देती है, बहुत सारा हमारे लिए देती है। और इसी सोच से मैंने बचपन में, छुटपन का मतलब क्या होता है, बचपन में मैंने छुटपन में छुपकर पेशे बोए थे, यानी बचपन में मैंने छुपाकर पेशे बोए थे कि कहीं फसलें उगती उस प्रकार पेशे उग जाए, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, और इस सोच से पैसे बोए थे कि पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे और उन पेड़ों पे बहुत सारे पैसे लगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी। कलदार कहते हैं मशीन से बने हुए, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेगी, जिस प्रकार अन्य फसलें खनकती है उसी प्रकार, कवि ने क्या सोचा कि इन सिक्कों की जो मशीनों से बने हुए सिक्के हैं उसी प्रकार के सिक्कों की कलदार फसलें खनकेगी और बहुत सारा पैसा प्राप्त होगा, और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा, और उन पैसों को प्राप्त करके मैं फल फूल कर बड़ा धन्ना सेठ बन जाऊंगा, पैसे वाला बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, कवि क्या कह रहा है कि इस बंजर धरती में, यानी अनुपजाऊ इस धरती में एक भी अंकुर न फूटा, अर्थात एक पौधा भी नहीं उगा, एक पैसा भी जो मैंने बताया नहीं उगा, बंजर मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं उगला। बंजर मतलब इसे बांझ होता है, लेकिन यहाँ अनुपजाऊ से है, यानी अनुपजाऊ मिट्टी में एक भी पैसा नहीं उगला, एक भी पौधा वहां नहीं उगा, सपने जाने कहां मिटे, कब धूल हो गई, यानी जो मैंने सपने देखे थे सेठ बनने के वो पता नहीं कहां मिट गए और सब चौपट हो गए, धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक, हताश का मतलब निराश, यानी मैं निराश होकर कई दिनों तक बाट जोता रहा, प्रतीक्षा करता रहा कि जो मैंने पैसे बोए हैं वो पेड़ रूप में उगेंगे और उस पर बहुत सारे पैसे लगेंगे, बाल कल्पना के ए पलक पावड़ी बिछा कर, जैसे पलक पावड़ी बिछा कर हम किसी मेहमान का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार कवि क्या कह रहा है, मैं बाल कल्पना में डूबा हुआ उन पौधों को उगने की प्रतीक्षा में था, उनकी स्वागत की तैयारी में था, मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोई थी। कवि क्या कह रहा है, मैं अबोध था, मेरे को इस चीज की जानकारी नहीं थी और मैंने गलत बीज बो दिए थे, यानी जो चीज नहीं उगने वाली है उसको बो दिया, ममता को रोपा, यानी मैंने ममता को बोया था और तृष्णा को सींचा, और इच्छा या तृष्णा को लोभ को मैंने सींचा। इसमें देखिए बाल कल्पना के अपलक पावड़ी बिछाकर, इसमें रूपक अलंकार ध्यान में रखना, बाल की कल्पना रूपक अलंकार, अर्ध सती हैहराती निकल गई तब से, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे वर्षा फूली सर्दी मुस्काई, सीसी कर हेमंत कपे तरुधरे खिले वन, ओ अब जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कचरारे बादल बरसे धरती पर, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह में यूं ही उंगली से सहला कर,
बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भू के अंचल में मणि माणिक के बांध दिए हो। अर्धशती यानी आधा जीवन या 50 वर्ष कह सकते हैं, है राते निकल गई दब से, यानी छोटपन की बातें मैं भूल गया और पता नहीं आधा जीवन कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। कितने ही मधु यानी कितने ही वसंत बीत गए, पतझड़ बीत गई अनजाने में, यानी कितने ही पतझड़ बीत गए, कितने ही वसंत निकल गए। ग्रीष्म तपे वर्षा फूली शरद मुस्काई, और कितने ही ग्रीष्म ऋतु वर्षा और शरद ऋतु मुस्कुराती हुए निकल गई, मुझे पता ही नहीं चला। सीसी कर हेमंत कपे, और कंपा देने वाला हेमंत ऋतु जिसमें सीसी की आवाज है सर्दी के कारण, तो वो भी कितने निकल गए, जिसमें तरु झरे खिले वन, जिसमें कई पेड़ झरा करते थे और वन खिला करते थे, यानी कितने बसंत कितनी ऋतुया पता ही नहीं चला, कब निकल गई। और जब फिर से गाड़ी उदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। गाड़ी उदी का मतलब होता है काला बैंगनी रंग का जो बादल होता है उसके लिए है गाड़ी उदी लालसा लिए, यानी फिर एक दिन काले बैंगनी रंग के बादल, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, यानी काले बादल वो धरती पर बरसे काफी दिनों बाद। मैंने कोतूहल बस आंगन के कोने की गीली तह में यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए, और मैंने कोतूहल बस जो वर्षा होने के बाद मिट्टी गीली हुई थी उसमें सेम के बीज दबा दिए, उस मिट्टी में क्या कर दिए, अंगुली से सेम के बीज दबा दिए। भू के अंचल में मणि माणिक के बांध दिए हो, जैसे किसी ने धरती के अंचल में मणि माणिक मतलब बहुमूल्य रत्न बांध दिए, उसी प्रकार मैंने सेम के बीज उस गीली मिट्टी में दबा दिए। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी जिसे याद रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष मूड हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं कि विजय पताकाई जीवन की, या हथेलियां खोले तेरे नन्नी प्यारी, जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़ कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, कभी क्या कह रहे हैं, मैं इस छोटी सी घटना को भूल गया। कौन सी घटना, जो उन्होंने सेम के बीच मिट्टी गीली मिट्टी में दबाए थे उस घटना के बारे में कह रहे कि मैं इस घटना को भूल गया था। और बात भी क्या थी जिसे याद रखता मन में, और कोई ये विशेष बात भी नहीं थी कि याद रखी जाए, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था तब सहसा मैंने देखा। कभी क्या करे कि एक दिन मैं शाम के से समय आंगन में टहल रहा था तब सहसा अचानक मैंने देखा उससे हर्ष मुख हो उठा मैं विस्मय से, और मैं उससे हर्ष मुख उठा यानी प्रसन्न हो उठा और आश्चर्य से मैं देखा, और ये दृश्य देखकर मैं प्रसन्न हो उठा। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए। कभी ने क्या देखा कि आंगन के कोने में कई नवागत नए आने वाले नए आगंतुक, यहाँ जो छोटे छोटे सेम के पौधे उगे थे उनको नवागत कहा गया है, छोटा छोटा छाता तान खड़े हुए थे, यानी ऐसा लगा जैसे छोटे छोटे छाते तान के वो नवागत यानी सेम के जो नए पौधे उगे थे वो छाता तान कर खड़े हो। छाता कहूं कि विजय पताकाई जीवन की, कोई क्या करे उन्हें मैं छाता कहूं या विजय की जो पताकाई होती है विजय के ध्वज कहूं वो वैसे ही लग रहे थे। हाथ थे या हथेलियां खोली थी विनन्नी प्यारी, या उनको किसी प्यारे बच्चों की हथेलिये के समान दिखूं, यानी वो विजय के ध्वज के समान लगते, या कोई
छोटे बच्चे की प्यारी हथेलियों के समान। यहाँ देखिए संधि अलंकार है, यह आया ना, कौन सा अलंकार है? संधि, तो ये आपको ध्यान में रखना। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरी, कभी क्या करे कि जैसे भी हो जो भी हो लेकिन हरे हरे और बड़े उल्लास यानी प्रसन्नता से भरे दिखाई दे रहे थे। पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते और किसी पक्षी के बच्चों के समान वो पंख मार कर उड़ने को उत्सुक से लगते, ऐसा लगता कि अभी उड़ जाएंगे छोटे पक्षियों के बच्चे की भांति। डिंब तोड़ कर निकले चिड़ियों के बच्चों से, डिंब कहते अंडा, यानी ऐसा लगता जैसे चिड़िया के अंडों को तोड़कर निकले हुए बच्चे हो। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से, उपमा अलंकार ध्यान रखना।